हेलो यूट्यूब, मॉर्निंग एपिसोड हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। गाइज, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लेटेस्ट अपडेट के लिए डाउनलोड कीजिए बिफोर न्यूज़ ऐप। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप दिवाली विशेष कैसे क्रिएट करते हैं ये जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम इस तरह का दिवाली विशेष कार्ड क्रिएट करेंगे जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप सेम ये दिवाली विश कार्ड अपने नाम का चाहते हैं तो आप अपना नाम और मेल आईडी कमेंट में लिख दीजिए। आपको ये दिवाली विश कार्ड आपके नाम की क्रिएट होकर आपको मेल आईडी पे मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। हम अपनी दिवाली विश फोटोशॉप में बनाएंगे। तो ये मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया। सबसे पहला पॉइंट कि जब हम लोग कुछ भी क्रिएट करने का सोचते हैं तो आइडिया नहीं आते रहते हैं कि क्या बनाएं, कहाँ से शुरू करें। तो जैसा कि अभी हम लोग दिवाली विश क्रिएट कर रहे हैं तो इसके लिए हमें एक बैकग्राउंड चाहिए, एक दिया का पिक्चर चाहिए और कुछ टेक्स्ट चाहिए। तो उसके लिए हम गूगल या किसी और साइट से भी आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह के दिवाली विशेष कार्ड क्रिएट हुए हुए हैं, उससे हमें कुछ आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इतने सारे दिवाली विशेष कार्ड बने हुए हैं। इसको हम लोग देखेंगे और जैसा भी हमें पसंद आएगा उस तरह का कुछ आइडिया अपने जहन में बना लेंगे। तो अब वापस आते हैं अपने फोटोशॉप में। सबसे पहले साइज़ लेते हैं। अगर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक पोस्ट के लिए अगर ये दिवाली विशेष बना रहे हैं तो इसमें हाइट और विड्थ सेम लेंगे। अदरवाइज़ अगर फेसबुक कवर या फिर किसी और पर्पज़ के लिए बना रहे हैं तो उसकी साइज़ अलग होगी। तो इसमें हम लोग साइज़ सेम लेते हैं। तो ये मैंने साइज़ ले लिया। अब जो मैंने अपने दिमाग में सोचा है कि मेरा जो पोस्ट क्रिएट होगा वो एक एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड का रहेगा, आगे में एक दिया लगा हुआ रहेगा और उस पर मैं छोटा सा टेक्स्ट लिखूंगी। तो अब एक एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड लेते हैं। ये मैंने गूगल में पहले से सर्च किया हुआ है। आप अगर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड डालेंगे तो इस तरह की इमेजेस आपको मिल जाएगी। तो ये मैं कॉपी करती हूँ, यहाँ से लिखती हूँ। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ से मैं लेती हूँ, ये मैंने फ़ोटोशॉप में डाल दिया। अब हमें दिया का फ़ोटो चाहिए, तो हम वापस गूगल में जाते हैं और दिया का पिक्चर लेते हैं। ये मैंने गूगल में ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। अगर आप गूगल में यहाँ पर सर्च करेंगे PNG दिया इमेज तो इस तरह की इमेजेस आपको मिल जाएंगे। तो ये मैंने इमेज कॉपी कर लिया। अब हम इसे अरेंज कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट इमेज का जो बैकग्राउंड है, वाइट बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड और मेरा बैकग्राउंड कलर मैच नहीं कर रहा है तो इसको कलर मैच कर लेंगे, इसको रोटेट कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग बैकग्राउंड को सेट कर लेंगे, फिर दिया को मूव करके अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। जिस भी तरह से, जिस भी एंगल से आपको अच्छा लगे आप कर लीजिए। ये मुझे इस एंगल से अच्छा लग रहा है तो ये मैंने इस तरह से अपना सेट कर लिया। अब हमारी बारी है टेक्स्ट लिखने की। उससे पहले ये सब जो लेयर हमने क्रिएट किया है इन सबको हम लॉक कर लेंगे, ताकि जब हम टेक्स्ट लिखें और उसे मूव करें तो ये सब मूव ना हो। जब ये लॉक रहेगा और मूव नहीं होगा तो हमें टेक्स्ट लिखने में बहुत आसानी होगी। तो ये सबको लॉक कर लेते हैं। ये मैंने लॉक कर लिया। तो अब हम देखेंगे कि गूगल में हैप्पी दिवाली का कोई टेक्स्ट क्रिएट है या नहीं। अगर हमें मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा, और अगर हमें नहीं मिलेगा तो उसे हम खुद से क्रिएट करेंगे। तो हम देखते हैं। तो ये मैंने पहले से सर्च करके रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे हैप्पी दिवाली टेक्स्ट डालेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये मैंने ले लिया। तो ये यहाँ पे मैंने डाल दिया हैप्पी दिवाली। अब हम लिखते हैं अपना टेक्स्ट। तो ये मैंने अपना टेक्स्ट लिख लिया। तो मैंने यहाँ पे ये वाला फॉन्ट यूज़ किया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फॉन्ट मैंने यूज़ किया है ये टेक्स्ट को लिखने के लिए। तो ये देखिए, ये बन गई हमारी दिवाली विश पोस्ट। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है, आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको अपने नाम की ये सेम दिवाली विश कार्ड चाहिए तो आप अपना नाम और मेल आईडी कमेंट में लिख दीजिए, आपको आपके नाम की ये दिवाली विश कार्ड मेल हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइज, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देगी वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मेरी IGTV वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ।